कभी कभी इंग्लिश टीचर्स बोलते हैं आप मेरे तरीके से तीन महीने में इंग्लिश पूरा सीख सकते हैं हम सब को आशा है कि ये सच्ची बात है लेकिन भाषा सीखने में कोई इतने जल्दी सीक्रेट नहीं होती पर भाषा सीखने में कुछ अच्छी आदतें होती हैं और ऐसे आदत है कि कहानियां से सीखना जब आप आपके बच्चे को कहानी पढ़कर सुनाते हैं पूरा परिवार परिवार इंग्लिश सीख सकते हैं इस तरीके से आपके फ्लुएंसी, वोकैब और समझना बढ़ जाएगी नमस्ते मैं हूँ गेट वे इंग्लिश से मैं हिंदी सीख रही हूँ और मैं इस तरीके से हिंदी सीखती हूँ मेरे बेटिया के साथ है। मेरे देश में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े लाइब्रेरीज़ होते हैं भारत में लाइब्रेरीज़ बहुत कम होते हैं पर लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अपने फोन में एक लाइब्रेरी है जी हाँ मेरी फेवरेट लाइब्रेरी भाषा सीखने के लिए स्टोरी वीवर वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पर बहुत कहानियाँ हैं ज्यादातर कहानियां भारत में घटित होती है तो आप अपने जीवन में सब शब्द यूज करते हैं स्टोरी पर जरूर जाइए। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे और मैं कहानी से ही सीखने का तरीका समझाती हूँ आज का कहानी बहुत बिगिनर लेवल वाला कहानी लेकिन अगर आपके लिए बहुत आसान है ये कोई बात नहीं तो इस तरीके से कुछ भी कहानियाँ आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंग्लिश लेवल के अनुसार तो स्टेप वन आप एक कहानी चूज करना स्टोरी विजन में बीस हजार से ज़्यादा कहानियाँ हैं तो आप कैसे एक कहानी चूज करेंगे पहले ये कहानी का विषय आपके लिए थोड़ा सा दिलचस्प है अगर बोरिंग है फिर आप नहीं पढ़ेंगे कहानी का लेवल सही होने चाहिए अगर आपको कहानी पढ़ने में मुश्किल होते हैं तो शायद आप उदास होंगे मैं इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते हैं कभी कभी ये मेरी सोच हिंदी सीखने के बारे में और ये बिल्कुल अच्छी सोच नहीं है अगर कहानी आसान है तो बोरिंग और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो कैसे सही लेवल चूज करेंगे अगर आपको कहानी पढ़कर कुछ कुछ शब्द समझ नहीं आती है लेकिन इतने समझ आ रहा है कि आपको कहानी की मेन पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं तो यह बिल्कुल सही लेवल है लगभग एटी परसेंट समझना चाहिए तो स्टोरी वीवर पर कहानियां अलग अलग लेवल्स होते हैं देखो हम रीड चूज करेंगे और लेवल बी चूज कर सकते हैं ये लेवल वन हमारे लिए ये सब लेवल्स हैं। जब एक लेवल आपके लिए आसानी हो जाएगी तो आगे लेवल चलेंगे और लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं आज हमारे हमारे कहानी एक लेवल वन कहानी या पर यह हमारी कहानी है और देखो ये कहानी अलग अलग भाषा में हो सकते हैं तो आप चूज कर सकते हैं स्टेप नंबर टू पढ़ो हम दो बार पढ़ेंगे पहली बारे में आप सिर्फ समझ लो और एंजॉय करो हमारे बचपन में हम अपने अपने गांव गए थे परिवार से मिलने के लिए आज का कहानी इस बात के बारे में ये बहुत प्यारी कहानी है द मैंगो ट्री By Kachan Banjari, illustrated by Kavya Singh Prattam Books. We like to visit Grandma's village. Grandma has a big mango tree in her garden. Many birds come there. I like to hide in the mango tree. No one can see me here. Father looks for me near the well. Mother looks for me near the cowshed. But no one can find me. Oh no! At last, Grandma's dog finds me. Now I have to climb down. Grandma gives me a big hug. तो आपको समझ आए अगर आया तो बिल्कुल सही लेवल आपके लिए तो अब हम स्टेप थ्री के लिए तैयार हैं चलो स्टेप नंबर थ्री एक वो लिस्ट बनाओ मैं दो बार सुनाती हूं और इस बार ध्यान से देखो और सुनो नोटिस कीजिए नए शब्द हम सारे नए शब्द नहीं सीखेंगे क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शब्द है हम सीख नहीं पाएंगे दस या पंद्रह शब्द एक कहानी से बहुत है जो शब्द आप चूज करेंगे वो घर में इस्तेमाल होने चाहिए चलो हम दस शब्द सीखते हैं और इनको लिख लीजिए चलो मैं पढ़ती हूँ द मैंगो ट्री इसकी टाइटल हमारा पहला वो वर्ड देखते हैं हिंदी में आम का पेड़ तो जब हिंदी में दो नाम जुड़े होते हैं हम खा लगाते हैं लेकिन इंग्लिश में दो न्याज ही आते हैं इनके बीच में और नहीं जोड़ते हैं सिर्फ मैंगो ट्री लेकिन क्यों इसके आगे जा लगाया क्योंकि इस कहानी के बारे में एक पर्टिकुलर मैंगो ट्री जो नानी कह क्या बगीचे में चलो We लाइक टू विजिट grandma's विलेज विजिट यहां पर विजिट एक क्रिया है और इसका मतलब है कि किसी को मिलने जाते हैं Visit, कभी कभी uh, कुछ और क्यूसेस होते हैं पर इस फोकेबल में सिर्फ एक क्वेन हैजिग मैंग ट्री इन हर गार्डन मेनी बर्ड्स गार्डन यानि की बगीचा चाहे बड़े हैं या छोटी है हम गार्डन ही बोलेंगे

डिक्शनरी में देखेंगे नो no, मतलब नहीं वन एक नहीं एक ये अजीब मतलब है क्या मतलब है अगर एक दो शब्द मिलते हैं और डिक्शनरी से मतलब अजीब होते हैं तो ऐसे एक शब्द समझने की कोशिश करना नो no, वन एक बात ही

ऐसे ही नो वन दो शब्द लेकिन एक बात है वैसे लुक्स फो भी होता है ग्रामर में ये एक फ्रेजल वर्ब है और फॉर्मल इंग्लिश में हम सर्च को कहते हैं पर लुक्स फो आम बात है इस पेज में दो और नए शब्द होते हैं निया ने द वेल एक पोजिशन शब्द है इसका मतलब है कि कुछ के पास ने द वेल कुएं के पास हम ने शब्द का यूज आ करते हैं जब कोई चीज नजदीक हो हर हर नाम के साथ चलते हैं द गार्डन इज नियर द हाउस ही इज नियर द फ्रिज द bird इज नियर द ट्री ऐसे बोल सकते हैं But नो no वन can फाइंड me. फाइंड का मतलब है कि ढूंढ कर मिलना या ढूंढ कर निकालना No one can find her. But. Next page. Oh no! At last, Grandma's dog finds me. Now, I have to climb down. Grandma gives me a big hug. Climb down. Our ninth word. ये वाला बहुत ही दिलचस्प है, गभी गभी सा करती है. का मतलब क्या है सोचो हाजी चढ़ना मान लो एक बच्चा पेड़ पर चढ़ गए है और उसकी माँ में नहीं बोला नीचे आओ लेकिन उसकी माँ नहीं बोला नीचे चढ़ो है ना क्योंकि चढ़ना ऊपर ही जाना है नीचे नहीं है ये नीचे उतरो से है पर इंग्लिश में क्लाइम दोनों मतलब होता है क्लाइम अप चढ़ना Climb उन उतरना hmm. याद रखो कि हिंदी और इंग्लिश शब्द हमेशा एक जैसा मतलब नहीं होता है लास्ट वन अग यहा एक न्याम है लेकिन इंग्लिश में हग कभी नाम ये कभी वे होता है हिंदी में एक ऐसे न्याम नहीं होता है हिंदी में हम हमेशा क्रिया यूज करते हैं हम इसको कहते हैं गले लगा रहे हैं टू गिव hug इंग्लिश में सिंपली टू हग तो हमारे वो कैब लिस्ट कंप्लीट है और हमने दो बार पढ़ा तो अब आप क्या और करेंगे Step नंबर फोर बार बार फोड़ो लेकिन क्यों आप कहानी समझ गए हैं? हम आपके पास गई है तो क्यों बार बार पढ़ने चाहिए याद करने के लिए यह अच्छा है और जब हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे मुंह से इंग्लिश शब्द निकलेंगे फिर आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगा एक हफ्ते में हर दिन ये कहानी पढ़ना दिन के खाना खाने के बाद मैं मेरी बेटियों को कहानियाँ पढ़कर सुनाती हूँ पूरे परिवार को अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छी आदत है नंबर फाइव वाक्य बनाओ आपके पास दस नए शब्द हैं इन शब्दों से वाक्य बनाओ छोटे वाक्य ठीक है और जो वाक्य आप अपने घर में यूज कर सकते हैं वो वाक्य बनाओ फॉर एग्जाम्पल डाउन फ्रॉम देयर This is my my garden, or my phone is near the fridge. और अगर आप एक एडवांस चैलेंज चाहते हैं इस वीडियो को देखो वो सीखने के बारे में हमारे लेसन हो गए हैं मैं जल्दी वापस आऊंगी एक नए कहानी के साथ थोड़ा सा और एडवांस वाला है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब लिख पे आओ तब तक आप स्टोरी वी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर जरूर जाना और आप कहानी से सीखना और मज़ा भी आएगा